else and I forgot about myself. Yeah. Cruising through the city all by myself. Cause everybody tell me that I need. Hello friends. UCC उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की। जिस किसी को जीके से काफ़ी डर लगता है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ जो 2017 एग्ज़ाम में SSC के, चाहे आप LDC की तैयारी कर रहे हों या फिर MTS की या फिर सीजल के एग्ज़ाम के, तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए। अगर आपको जीके से काफ़ी डर लगता है तो वो डर आपका आज ख़त्म होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे मैं कहता हूँ प्लीज़ वैसे वैसे इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट देगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये पहला क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, और जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए मैंने एक मॉक टेस्ट में से, जिसका नाम है विजार्ड ऑफ SSC, मतलब राकेश यादव सर जो फेमस पर्सनैलिटी हैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, जो जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पे ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। 80-90% स्टूडेंट इनसे ही गाइडेंस लेते हैं कॉम्पिटिशन्स की, तो मैंने उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने आज प्रेजेंट करे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अपना कमेंट्स, अपनी राय जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, आप सभी की राय का वेलकम है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले अपना आज का ये वीडियो। देखिए, एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चन देने वाला है, और जिसका जीके काफ़ी स्ट्रांग है, जिसको लगता है कि हाँ जीके मैंने अच्छे से पढ़ी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करिए, इन सब के आंसर अपनी नोटबुक में नोट करिए। आपका जो भी आंसर आता है मेरे आंसर से आप टैली करिए, आपका जो भी फाइनल स्कोर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं उसमें अपना फीडबैक दूंगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम आज का पहला ही क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है भारतीय नृत्य जो प्रसिद्ध जो डांस है कथकली का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम में चार ऑप्शन देगा, कुछ फेमस जो है हमारे नृत्य डांस कुछ सिलेक्टेड हैं, वही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कथकली। देखिए कथकली कहाँ का है, ये है हमारा केरल का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों केरल। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, केरल का एक फेमस और पूछा जाता है, वो होता है मोहिनीअट्टम, तो आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, केरल का एक और हमारा डांस जो है नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम, और इसी के साथ एक और पूछता है हमसे, वो पूछता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो है बच्चों वो है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। कुछ स्टैंडर्ड ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, तो इसलिए आप जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कई बार उसको रिवाइज करिए। ठीक है, कथकली केरल आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ये जो क्या है कैसे बना क्या केरल। ठीक है, तो यहाँ पे केरल के अंदर मोहन विद्या, मतलब किसी को सम्मोहन करने की विद्या बहुत फेमस होती है केरल के अंदर, तो मोहिनी से मोहन बना है केरल। और केरल की एक खास बात और कि मैक्सिमम एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो केरल में है। ठीक है, कभी भी पूछते एग्जाम में भारत के किस राज्य की जनसंख्या अधिकांश, ठीक है, शिक्षित है या साक्षरता का स्केल कौन से राज्य में हाईएस्ट है, तो उसका आंसर भी क्या होगा केरल। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर पानी कैसा होगा, उसकी कंडीशंस क्या होगी। ए बी सी डी हमको चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर आप गैस करिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास सी, पहले संकुचित होगा और फिर क्या होगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है। आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता इतनी नहीं है, बस आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर टेम्परेचर 8 डिग्री से कम होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाता है तब क्या होगा, तब हमारा कुछ नहीं होगा, तब पहले क्या होगा सुखड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, जिसको अगर आता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, अपने नंबर जरूर लिखिए साइड में कि कितने नंबर आपके आते हैं, टोटल स्कोर आपका जो भी बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, ठीक है। इस मॉक टेस्ट को आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, अगर किसको अगर किसी को जरा सा भी आइडिया है तो, ठीक है। देखिए इसमें जो है 75 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। ऑक्सबलो झील किस प्रकार की नदियों में बनता है, ऑक्सबलो या ऑक्सबो झील किस प्रकार की नदियों में बनता है। ऑक्स बलो भी कहता है और ऑक्सबो भी कहता है, वो कुछ भी कह सकता है आपसे, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए हमारा इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, निम्न तथा मैदानी जलमार्गों में। देखिए बच्चों इस प्रकार की जो झील होती है ना, इसमें जो पानी जमता है, इसमें जो बर्फ की लेयर जमती है, वो पूरी झील में ना जमते हुए साइड के कोनों कोनों में वहाँ पे बर्फ की लेयर जमती है, और बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे बर्फ कभी नहीं जमती। तो इस टाइप की जो झीलें होती है उसको बोलते हैं हम ऑक्सबो झील, ठीक है। और ये किस प्रकार की नदियों में बनता है, निम्न तथा मैदानी जलमार्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पस पहाड़ियाँ किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, उसका हमसे नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वलयदार। राइट आंसर क्या है इसमें, ए वलयदार। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे बड़े ध्यान से, और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वातावरण के किस मंडल में मौसमी संबंधी अधिकांश गतिविधियां होती हैं, मौसम संबंधी गतिविधियां कहाँ पर होती है। हमारे पास कुछ मंडल देगा वो, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और शोभ मंडल। देखिए जो हम लोग कहते हैं नॉर्मली कि यार कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है मतलब मौसम में परिवर्तन आ रहा है। तो जो ये आपका शोभ मंडल है, शोभ का जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। अब आप गैस कर लीजिए किसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा राइट आंसर डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शोभ मंडल। शोभ का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसके पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है, तो इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आप नोट प्लीज जरूर कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चूना पत्थर तथा खडिया किसका एग्जाम्पल है, ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं उसने। तो उसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका होगा डी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मतलब रूपांतरित चट्टाने। देखिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट एमपी क्वेश्चन। धुआं धुआंधार
जलप्रपात या धुआंधर। जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नदी का नाम पूछ रहा है, ठीक है? नदी पर स्थित पूछ रहा है, किस नदी पर है, ठीक है? आपको मेन फोकस करना है इस पर, धुआंधार जलप्रपात। फिर लिखिए नोट्स में अपने किस नदी पर स्थित है। नहीं भी लिखेंगे आप लिखिए धुआंधार जलप्रपात, इक्वल करके लिखिए डायरेक्ट इस नदी का नाम। चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, मैं आपको करता हूँ क्लियर कि राइट आंसर क्या है, वो है सी, नर्मदा। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले सरदार सरोवर बांध भी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर ये है हमारा, और ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो जितने भी आप डॉट कनेक्ट कर सकते हैं वो कनेक्ट करिए, ठीक है? डॉट कनेक्ट का मतलब ये है कि आपको कहीं भी मौका मिले किसी भी क्वेश्चन से अपनी प्रीवियस नॉलेज को ऐड करने का, ज्वाइन करने का, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लिया करिए। क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, क्योंकि आपका रिविज़न हैंड टू हैंड आपको होते रहेगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए इसका आंसर मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, कोल्ड स्टोरेज, मतलब प्रशीत गृह, मतलब ठंडे कमरे अगर हमको बनाने हैं उस वक्त मोटी ईंट की दीवार हम क्यों बनाते हैं? आपने देखा होगा पुराने जमाने के जितने भी हमारे महल वगैरह हैं, जितने भी फोर्ट वगैरह हैं, तो उनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती थी, ठीक है? और अगर हम गर्मी के टाइम पे अगर हम वहाँ पे घूमने जाते हैं और अंदर उस बड़े से हॉल में खड़े होते हैं कुछ देर के लिए, तो हमें काफ़ी ठंडक महसूस होती है, ठीक है? उनके सभी कमरे क्या होते हैं? मोटी दीवार के कारण क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसका रीज़न क्या है, क्यों बनाए जाते हैं या क्यों ठंडे होते हैं, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे ईंट ताप के सुचालक होते हैं, या फिर इसमें या तो आपको लगेगा आंसर आपका ए, या फिर लगेगा आपका आंसर सी। लेकिन देखिए हमको क्या है, हमको ठंडे कमरे मिल रहे हैं मोटी दीवार से, तो क्या होगा, ईंट जो होती है वो होती है ताप का कुचालक होता है, जो ईंटें जो होती हैं वो होती है ताप की कुचालक। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर होता है बाहर के टेम्परेचर को वो अंदर तक नहीं आने देती, कौन, ईंट, मोटी मोटी जो ईंट होती है वो, ठीक है? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं, छोटी विद्युत धाराओं को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा डी, गैल्वेनोमीटर। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, छोटी विद्युत धाराओं को मापते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं। देखिए ये लिखा है राकेश यादव, तो ये राकेश यादव सर का प्रैक्टिस सेट है, ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, मैं आपको बता चुका हूँ, और काफ़ी बच्चे इनके बारे में जानते होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणुओं को क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, उनका रेशियो पूछ रहा है। तो इसमें जो आपको याद करना है, इलेक्ट्रॉन से बना ई, प्रोटॉन से बना पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बना ई, प्रोटॉन से बना पी और न्यूट्रॉन से बना एन, ठीक है? देखिए जो एन है, एन को मैं नो बोल सकता हूँ, नो का मतलब जीरो, ठीक है? बाकी इनकी जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, प्रोटॉन की संख्या भी एक होती है, ठीक है? तो आप इस तरह से इसको याद करेंगे, एक एक जीरो, ठीक है? ई पी एन, ई पी एन एक चैनल का नाम भी है, आपको पता होगा मैक्सिमम, वो ई एस पी एन है। तो उसमें से एस आप गायब कर दीजिए, सिंपल याद करिए ई पी एन। ए पी एन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है हाइड्रोजन अणुओं में, वो हमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन अणुओं में, बात कर रहा है इसकी, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो आपको इसका राइट आंसर चूज करना है, वो करना है सी, ठीक है? 110 मतलब 110, ठीक है? देखिए केल्विन स्केल पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, ठीक है? ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो
चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और राइट आंसर इसमें से चूज करेंगे कि राइट आंसर इसका एग्जैक्ट है क्या। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको मैं अभी इसका राइट आंसर क्लियर कर दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है 373 केल्विन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है 373 केल्विन। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का उबलना, अंडे का उबलना, मोमबत्ती का जलना, या फिर लोहे में जंग लगना? DCBA की फॉर्मेट में मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन में काउंट होता है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दो वस्तुओं के बीच ताप का प्रसार किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, तापमान क्या है? वह भौतिक कारण है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ताप के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है बच्चों। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा उनकी ताप क्षमता, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा हार्मोन रक्तचाप नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्तचाप नियंत्रित करता है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा वासेप्रिसिन। ठीक है, ए ए हमारे पास क्या है इसका राइट आंसर। देखिए, रेफ्रिजरेटर में किससे बने ट्रे में बर्फ जल्दी जम जाती है? अगर आपका पास जो फ्रिज है, फ्रिज में आप किस टाइप की ट्रे यूज़ करेंगे जिससे कि बर्फ जल्दी जम जम जाएगी? देखिए, ट्रे रबड़ की हमने आज तक कभी नहीं देखी, लकड़ी की ट्रे हमने आज तक कभी नहीं देखी, तो ए और डी इसमें से आंसर नहीं हो सकता, बचा बी और सी। देखिए, इसमें जो होता है, इसमें आपका राइट आंसर, तो वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको? इसका जो राइट आंसर है एल्युमिनियम। आपको याद होगा कि पहले जब नए नए जो फ्रिज आते थे उसके साथ जो हमको ट्रे मिलती थी वो मिलती थी हमको एल्युमिनियम की, लेकिन एल्युमिनियम की बहुत जल्दी जो ट्रे होती है वो ब्रेक हो जाती है ठंड में, जब मतलब बर्फ जमती है उसमें, हम बर्फ निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, फर्श पर थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होती है, वो बहुत जल्दी चटक जाती है एल्युमिनियम की ट्रे। तो इसकी जगह किसने लिया? प्लास्टिक की ट्रे ने। लेकिन वो कह रहा है कि किस में बर्फ जल्दी जम जाएगी, तो आप लोग अपना राइट आंसर लगाएंगे सी। ठीक है, वैसे हम मैक्सिमम बी यूज करते हैं मतलब प्लास्टिक की ट्रे यूज करते हैं, बट ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की भविष्यवाणी कौन करता है? ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय हमारा GDP, NNP, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम, तो ये सब जो भी हमारे पास फॉर्मूले बनाए थे वो किसने बनाए थे? कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। वो जो पर्सनैलिटी थे उनका नाम था दादा भाई नरोजी। जितने भी हमारे फॉर्मूले बनाए हैं वो बनाए हैं दादा भाई नरोजी ने। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछना चाहता है, वो हमसे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की भविष्यवाणी कौन करता है, मतलब हमारे भारत की राष्ट्रीय आय ये है या इतनी होने की संभावना है, इसकी भविष्यवाणी कौन करता है? उसका नाम, योजना आयोग, RBI, वित्त मंत्रालय, या फिर CSO। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर आप पॉज करिए, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करिए, अपना राइट आंसर निकालिए। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, CSO। ठीक है, देखिए CSO की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, CSO की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, बट ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। हमारी राष्ट्रीय आय की जो भविष्यवाणी करता है वो कौन करता है? राष्ट्रीय आय हमारी कितनी है ये
कौन बताता है हमको, वो बताएगा हमको सीएसओ डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रात के समय, अगला क्वेश्चन है, रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है वैसे, कई बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, दिन के समय प्रकाश जब होता है, उजाला जब होता है, सूरज जब निकलता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और हमको क्या देते हैं दिन में, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, लेकिन रात में इसका उल्टा होता है, वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए तो पेड़ के नीचे सो जाओ, लेकिन नहीं, ऐसा करने से क्या होगा, आपकी हेल्थ पे काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय क्या छोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन था ये, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है और इस मॉक टेस्ट में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट याद करिए, आवर्त सारणी में जो पहले स्थान पे आता है वही तत्व क्या होगा, सबसे हल्का होगा। ठीक है, पहली बात तो ये, इतना हिंट मैंने आपको दिया, अब अपना राइट आंसर इसमें लगाइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व होता है। ठीक है, इसका देखो मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु संख्या उसकी क्या है, एक है। ठीक है, या प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, हाइड्रोजन। अगला है लाफिंग गैस, लाफिंग जो गैस होती है किसे कहते हैं। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम एग्जैक्ट है क्या, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी, आपको इसमें से राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें जो होगा राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, को नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, हास्य गैस के रूप में भी जानते हैं। लाफिंग का मतलब क्या होता है, हंसना, हंसने वाली गैस क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, याद करिएगा इसको, ध्यान से नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी में हवा के बुलबुले क्यों चमकते हैं, पानी में जो होते हैं हवा के बुलबुले क्यों चमकते हैं, इसका रीजन क्या है। चार ऑप्शंस ए बी सी डी आपके सामने हैं, इसमें से राइट आंसर क्या है वो आपको चूज करना है। आपका जो भी स्कोर बनेगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज जरूर भेजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ग्रुप, ये सब ग्रुप जो खोज करी थी वो किसने करी थी, उसका नाम, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है। ठीक है, सॉरी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है लैंड स्टीनर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि खोज कब करी गई थी। इन्होंने जो खोज की थी वो थी करी थी 1900 में। ठीक है, और इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जब पूछता है कि लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने किसकी खोज करी थी, आपको चार ऑप्शन देगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना है, ब्लड ग्रुप की 1900, और इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस कहाँ प्राप्त होता है, अमोनिया गैस कहाँ प्राप्त होता है, इसका आंसर है सी, हवा वे ऊर्ध्व विस्थापन पर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पर बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नाइट्रिक से बनाए नाइट्रेट। ठीक है,
नाइट्रिक से बना है, नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐश्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ से नियंत्रित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर है मेंडुला। ये हमारे जो माइंड का जो निचला हिस्सा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि पीछे की जो गर्दन होती है, तो गर्दन से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा होता है, ये वहाँ पे छुपा होता है। ये वहाँ का पार्ट होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जॉइंट होता है, ठीक है? तो आपको डायरेक्ट याद करना है आंसर, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। आप डायरेक्ट इसको मेंडुला याद करिए बस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेटाइथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, इसका रीजन क्या होता है, ठीक है? इसका जो होता है फ्लैश बिंदु बढ़ाने के लिए, फ्लैश बिंदु इंक्रीज करने के लिए, ठीक है? सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, फ्लैश बिंदु बढ़ाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिनाबार किसका अयस्क है? ए बी सी डी चार ऑप्शन है हमारे पास में। सिनाबार किसका अयस्क है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मतलब पारे का, ठीक है? जो थर्मामीटर में हम लोग पारा यूज करते हैं, उस वो जो अयस्क होता है वो किसका होता है, सीने बार का, या सीना बार भी बोलते हैं इसको, तो ये इसका अयस्क होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आईसी चिप किसके बने होते हैं, ठीक है? ए बी सी डी चार ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन थोड़े आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, रुकिए अभी आपको दिखाई देंगे ऑप्शन सब क्लियर। देखिए सीसा, क्रोमियम, सिलिकॉन या सीना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सिलिकॉन। कंप्यूटर की आईसी चिप सामान्यतः किसके बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। एक बार चलो मैं रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे वीडियो को, अगर किसी ने नोट नहीं करा तो वो नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला जो था हमारा कथकली किससे संबंधित था, केरल से। अगला था कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान होगा तो पानी की कंडीशन क्या होगी, पहले क्या होगा, संकुचित होगा मतलब सुखड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, पानी बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर जो है वो है किसके लिए प्रसिद्ध है, वो एक्चुअली वो है शेर के लिए, ठीक है? और ये अगला क्वेश्चन था, ऑक्सबो झील क्या है, इसका रीजन क्या होता है, किस प्रकार की नदी है ये, रिवर किस प्रकार की है, निम्न तथा मैदानी जलमार्गों में। अगला है हमारे पास, अल्पस पहाड़ियों की श्रेणी किस प्रकार की होती है, पहाड़ी वहाँ की वो होती है वलयदार मतलब घुमावदार। वातावरण के किस मंडल में मौसम संबंधी अधिकांश गतिविधियां होती है, मौसम का मतलब होता है परिवर्तन, श्रोब का मतलब होता है परिवर्तन, तो हमने इसको इससे यहाँ पर ज्वाइंट करा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे कि चूना पत्थर तथा खड़िया किसका एग्जाम्पल था, ये थी रूपांतरित चट्टानों का। धुआंधार जल प्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है? सरदार सरोवर बांध भी कहाँ बना है, भी नर्मदा नदी पर, और ये कहाँ पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन था हमारा, कोल्ड स्टोरेज जो होती है, जो ठंडे जो कमरे बनाते वक्त हम लोग मोटी ईंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि ईंट जो होती है टेम्परेचर को क्या करती है, कुचलती है, कुचालक होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन था हमारे पास, छोटी विद्युत धाराओं को मापने का यंत्र क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाइड्रोजन अणुओं की बात कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, उसके नंबर पूछा था। मैंने आपको बताया था कि EPN इसकी शॉर्टकट ट्रिक है याद करने की, E1P1N का मतलब नो, नो का मतलब नहीं, मतलब जीरो, ठीक है? आप डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको, 110, यहाँ पे याद करिए 110, बात कर रहा है हाइड्रोजन अणुओं की, ठीक है? तो इससे आप याद करना है इसको। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, कैल्विन स्केल पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, 373। डायरेक्ट याद करिए इसका आंसर को। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन में काउंट होता है, ठीक है? दो वस्तु के बीच जो टेम्परेचर का जो प्रसार होता है वो किस बात पर डिपेंड होता है, उनके ताप क्षमता पर। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा हार्मोन रक्तचाप नियंत्रित करता है, वासेप्रेसिन। रेफ्रिजरेटर में ट्रे किसकी बनी होती है, कौन सी ट्रे का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी बर्फ जो होगी वो जल्दी जम जाएगी, तो ये एल्युमिनियम।
भारत में राष्ट्रीय आय की भविष्यवाणी कौन करता है? सीएसओ। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, रीजन क्या है? पेड़ जो होता है रात के समय क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, पेड़ के नीचे नहीं सोते। विश्व में सबसे हल्का तत्व तो वो होता है जो आवर्त सारणी में पहले नंबर पर आता है, कौन सा आता है? हाइड्रोजन। ठीक है। लाफिंग गैस या फिर हास्य गैस किसे कहते हैं? ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। पानी में हवा के बुलबुले क्यों चमकते हैं? रीजन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? लैंडस्टीनर ने। कब करी थी? 1900 में। उनके नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। अमोनिया गैस कहाँ से प्राप्त होती है? अमोनिया गैस हवा में ऊर्ध्व विस्थापन पर क्या होती है, हमें प्राप्त होती है, मिलती है देखने को। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहते हैं? नाइट्रेट। अस्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ से नियंत्रित होती है? मैंडुला से। और मैंडुला जो होता है हमारे गर्दन के पास में होता है। ठीक है। टेटाइथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? फ्लैश बिंदु बढ़ाने के लिए। सिनाबार किसका आता है? पारे का। और कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ठीक है बच्चों, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सीखे आपको पसंद आए होंगे और आपने सभी वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखा होगा। ठीक है। अब मेरा है आपके लिए एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं चलो इसके साथ में कुछ क्वेश्चन आपको और चाहूँगा बताना, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मैंने इसमें नहीं दिए फिर भी आपको पता होना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक्चुअली। ठीक है। आप देखने के लिए कुछ नहीं है, केवल सुनने के लिए है। भारतीय सेना का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है, हमको दोनों ही लगते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन जो भी मुखिया होता है भारतीय सेना का, नौसेना, जल सेना, ठीक है, वायुसेना, जो भी होती है हमारी तीनों सेना है, उसका जो मेन हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से। ठीक है। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 14 में। ठीक है। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? 14, 15, 16, 17, आपको याद करना है 14। ठीक है। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86, जो 86वां जो हमारा संविधान संशोधन था उसमें हमारा क्या, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है। ये कुछ दो तीन क्वेश्चन मेन क्वेश्चन थे, ये शायद छोटे क्वेश्चन मैंने जो आपको प्रेजेंट करे हैं अभी दिखाए हैं वो 27 थे। ठीक है। आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, अगर आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ध्यान से इसको नोट करिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ठीक है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटी जो होती है, इसका जो सूत्र दिया, जो नियम दिया इसका, वो किसने दिया हमको? ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो नियम था वो किसने दिया? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, न्यूटन, आइंस्टाइन, कॉपरनिक्स और गैलीलियो। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी है आइंस्टाइन, सी है कॉपरनिक्स, डी है गैलीलियो। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और बच्चों शेयर केवल उसी के साथ करना है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जो काफ़ी सीरियस तैयारी करना चाहता हो उस तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना। ठीक है। अपना राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए कि राइट आंसर क्या था। और जो भी मैंने क्वेश्चन दिखाया है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं एक्चुअली, एसएससी के एग्जाम में, या एलडीसी और एमटीएस के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन थे। तो इसलिए जो भी अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट करिएगा और याद करिएगा। ठीक है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।